ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालिसिस वाली बुक, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट का. क्वेश्चन हमारे का है कि बैलेंस शीट ऑफ राजा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो. बैलेंस शीट गिवन है, पर्टिकुलर साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट ईयर शेयर रिफंड जिसमें शेयर कैपिटल है करंट ईयर का 3,26,000 और प्रीवियस ईयर का 2,44,000. इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट ईयर का 1,00,000 और प्रीवियस ईयर का भी 1,00,000. फिर सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़. नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है करंट ईयर का 6,96,000 और प्रीवियस ईयर का 4,38,000. इसका थर्ड है करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स 2,98,000 और इसका 78,000. फिर टोटल दे रखा है करंट ईयर का है 14,20,000 टोटल और प्रीवियस ईयर का है 8,60,000 टोटल. फिर एसेट साइड में पहला है हमारा नॉन करंट एसेट जिसमें फर्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट हमारी 5,68,000 करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 4,30,000. उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6,000 और 4,000. फिर करंट एसेट में हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है 6,46,000 करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का 3,76,000. फिर कैश एंड कैश इक्विलेंट्स है 2,00,000 और इधर का प्रीवियस ईयर का 50,000. बोला क्या हमसे, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट शोइंग परसेंटेज चेंजेस फॉर फ्रॉम 2020 to 2021. तो हमें एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है. तो पहले फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर, फिर उसके बाद नोट नंबर, उसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर, उसके बाद हमारा करंट ईयर, फिर अब्सोल्यूट चेंज. वो कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो हमारा जाएगा अब्सोल्यूट चेंज. उसके बाद परसेंटेज चेंज. अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, जो हमारा अब्सोल्यूट चेंज आया है यानी जितना हमारा चेंज आया है उसको हम प्रीवियस ईयर से डिवाइड देकर क्या इंटू 100 करके क्या निकल जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज. तो पहला हमारे क्वेश्चन में सबसे पहला था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. मैं पहला है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर का फंड है, शेयर होल्डर फंड लिख दिया. उसमें है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल है करंट ईयर का 3,26,000, अब करंट ईयर के उस कॉलम आ जाएगा 3,26,000 और प्रीवियस ईयर का है 2,44,000, उसको भी हम प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिख देंगे 2,44,000. अब इसको ऑब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर, तो ये कितना आ जाएगा 82,000 का, अभी हो गया. उसके बाद 82,000 डिवाइडेड बाय 2,44,000 इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.60 इसका परसेंटेज चेंज. ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल का. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, करंट ईयर का है 1,00,000 और प्रीवियस ईयर का भी है 1,00,000. तो 1,00,000 1,00,000 कोई भी चेंज नहीं है, ना ही अब्सोल्यूट चेंज, ना ही प्रीवियस, ना ही परसेंटेज चेंज. ये हो गया. उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, करंट ईयर की है 6,96,000, प्रीवियस ईयर की है 4,38,000. प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिख देंगे 4,38,000 और करंट ईयर के कॉलम में लिख देंगे 6,96,000. माइनस करेंगे 6,96,000 माइनस 4,38,000 तो हमारा आ जाएगा 2,98,000 ऑब्सोल्यूट चेंज. अब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 2,98,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू में 100 तो हमारा आ जाएगा 58.90 उसका परसेंटेज चेंज. ये अब करंट लाइबिलिटीज़ में क्या दे रखा है, पहला है ट्रेड पेबल्स 2,98,000 और 78,000 का, करंट ईयर का है 2,98,000 और प्रीवियस ईयर का है 78,000 का. तो प्रीवियस ईयर के कॉलम में 78,000 आ जाएगा और करंट ईयर के कॉलम में 2,98,000, दोनों को माइनस करेंगे यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर तो हमारा जाएगा ऑब्सोल्यूट चेंज 2,20,000 का. तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 2,20,000 डिवाइडेड बाई 78,000 इंटू में 100 तो आ जाएगा 282.05. अब क्या करना है, टोटल करना है हमें लाइबिलिटी साइड का टोटल. तो इधर साइड का टोटल करेंगे 8,60,000 और इधर साइड का टोटल करेंगे तो 14,20,000. ये हो गया. और यहाँ पे इन दोनों को चेंज या फिर इधर से प्लस करके 5,60,000 और 5,60,000 को 8,60,000 से डिवाइड देके इनटू में 100 करेंगे तो ये बात आ जाएगा 65.11 इसको अब परसेंटेज चेंज. ये हो गया. अब एसेट साइड में क्या क्या है, नॉन करेंट एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 5,68,000 प्रीवियस ईयर करंट ईयर और 4,30,000 हमारा प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर के कॉलम में 4,30,000 और करंट ईयर के में 5,68,000. अब ऑब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो 5,68,000 माइनस में 4,30,000 आ जाएगा 1,38,000. ये हुआ ऑब्सोल्यूट चेंज. अब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो हमारा
ऑब्सोल्यूट चेंज आया है डिवाइडेड बाय उसको कर देंगे प्रीवियस ईयर से इनटू में 100 देकर, तो हमारे पास आ जाएगा 32.09 का ये हमारा परसेंटेज चेंज। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसकी वैल्यू है करंट ईयर की 6000 और प्रीवियस ईयर की 4000, तो प्रीवियस ईयर हमारा 4000 हो गया और करंट ईयर 6000 हो गया। माइनस करेंगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू में 100, तो हमारे पास आ जाएगा 5.00 यानी कि 5 का ये हो गया। उसके बाद करंट एसेट में क्या क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है करंट ईयर की 6,46,000 और प्रीवियस ईयर की 3,76,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2,50,000 यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद ऑब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो 6,46,000 माइनस 3,76,000 तो हमारे पास आ जाएगा ऑब्सोल्यूट चेंज 2,70,000 का। अब इसको इसे डिवाइड देंगे तो इंटू 100 करके, फिर हमारे पास आ जाएगी इसकी परसेंटेज चेंज हुआ है क्या 71.0 ये हुआ। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का निकालेंगे तो इसका माइनस करने पर 2,50,000 150,000 ये हमारा ऑब्सोल्यूट चेंज हुआ। 150,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू में 100 तो हमारे पास ये आ जाएगा 300 का हमारे पास क्या हो गया इसका परसेंटेज चेंज। फिर इस साइड टोटल करेंगे तो 8,60,000। अब क्योंकि बैलेंस शीट है तो एस लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल बिल्कुल सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी 8,60,000 था, यहाँ पे भी 8,60,000, यहाँ का भी 14,20,000, यहाँ का भी 14,20,000, यहाँ का भी 5,60,000 था, यहाँ पे भी वही सेम, और परसेंटेज का भी बिल्कुल वही सेम हो जाएगा। ये था हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 4।